मुंबई शहर में मीना अपने पति सुमित और एक बेटा ऋत्विक, बेटी सिमरन के साथ रहती थी। दोनों पति पत्नी बड़े अच्छे जॉब पर थे। ऋत्विक और सिमरन बड़े से स्कूल में पढ़ते थे। उनका एक बहुत ही सुंदर और बड़ा सा घर था। मीना के सास ससुर रामपुर गांव में रहते थे, जहां पर वो एक शिक्षक थे। इसी कारण वो अपने बच्चों से मिलने के लिए कभी कभार आ पाते थे। एक दिन मीना ऑफिस के लिए निकल रही थी। ऋत्विक, बेटे मैंने तुम दोनों का खाना बनाकर किचन में रख दिया है। स्कूल से आते ही खाना खा लेना, और तुम्हारा टिफिन भी वही रखा है। सिमरन को भी देना, और घर का ख्याल रखना बेटा। हाँ माँ, आप जाओ। लेकिन माँ, क्या आज आप हमें कुछ पैसे दे सकती हो? आज हम सारे दोस्त मिलकर स्कूल छूटने के बाद पिज्जा खाने जाने वाले हैं। अरे वाह, आज तो तुम लोगों की अच्छी पार्टी है लगता है। और फिर खाना कौन खाएगा? माँ प्लीज दो ना माँ। ठीक है ठीक है, ये लो 500 रुपए। पैसे देकर मीना सुमित के साथ ऑफिस चली जाती है। अब दोनों बच्चे स्कूल खत्म होने के बाद पिज्जा और बर्गर खाने के लिए चले जाते हैं। धीरे धीरे अब उनका ये हर रोज का होने लगा था। बच्चे कभी मीना से पैसे लेते तो कभी सुमित से। अब उन्हें घर का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन मीना घर आकर किचन में जाकर देखती है तो हर रोज की तरह खाना ढका हुआ जैसा का तैसा था। तो मीना सिमरन को आवाज लगाती है। सिमरन बेटा, यहाँ आओ। क्या आज भी तुम दोनों ने बाहर ही खाना खाया है? हाँ माँ, आज तो हमने फिंगर चिप्स और वड़ा पाव खाया था, बहुत ही टेस्टी था। तभी ऋत्विक वहाँ आ जाता है और अपनी माँ से, अरे माँ, आपको पता है आपके खाने से कई ज्यादा टेस्टी होता है फास्ट फूड। हमें तो वही अच्छा लगता है माँ। और माँ हाँ, आज भी मैं खाना नहीं खाऊंगा। बाहर का खाना हर रोज अच्छा नहीं होता, कभी कभार खाया तो ठीक है बेटा। नहीं माँ, हमें यही खाना पसंद है, हम यही खाएंगे। मीना बच्चों को बहुत समझाती है, लेकिन बच्चे समझते ही नहीं। अब वो उन्हें पैसे ना देने का सोच लेती है, लेकिन फिर भी बच्चे उनके गुल्लक से पैसे निकालकर बाहर का फास्ट फूड खाते ही रहते हैं। इसी दौरान मीना के सास ससुर सबसे मिलने के लिए आते हैं। तो सास देखती है कि मीना हर रोज खाना बनाकर तो जाती है, लेकिन बच्चे घर पर पिज्जा, बर्गर, नूडल्स या कुछ न कुछ बाहर से मंगवाते हैं और वही खाते हैं। तो सास मीना से, मीना, मैं यहाँ जब से आई हूँ देख रही हूँ कि तुम हर रोज खाना बनाकर जाती तो हो, लेकिन बच्चे हर रोज बाहर से खाना मंगवाते हैं। तुमने उनकी तबीयत देखी है? कितने मोटे हो चुके हैं दोनों। बाहर का पिज्जा, बर्गर, पाव, फिंगर चिप्स, ऐसा खाना खा खा कर दोनों बच्चे मोटे हो चुके थे। लेकिन वो ना मीना की बात सुनते थे, ना ही सुमित की। अब मीना अपनी सास से, माँ जी, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैंने तो बच्चों को पैसे देना भी बंद कर दिया है, लेकिन ये बच्चे गुल्लक से पैसे निकाल कर फास्ट फूड खाते हैं। मैंने इन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, पर ये मानते ही नहीं। लेकिन कुछ तो करना ही होगा ना जी। अब समय बीतता जा रहा था। मीना के सास ससुर अपने गांव वापस लौट जाते हैं। एक दिन सिमरन के स्कूल से मीना के लिए फोन आता है और, हेलो। हेलो, कौन? मैं सिमरन के स्कूल से बात कर रही हूँ। आप स्कूल में आकर सिमरन को लेकर जाइए, उसके पेट में बहुत दर्द है। वो रोते रोते बेहोश भी हो चुकी थी। हमने ऋत्विक को उसके पास बिठा दिया है। ये बात सुनकर मीना तुरंत ही सुमित को फोन लगाती है और फोन पर सारी बात बताती है। सुमित अपने ऑफिस का सारा काम छोड़कर मीना को लेकर स्कूल में चला जाता है और वो वहीं से अस्पताल में चले जाते हैं। अस्पताल में जाते ही सुमित डॉक्टर से, डॉक्टर, मेरी बेटी के पेट में बहुत दर्द है, वो स्कूल में बेहोश हो गई थी और अब हॉस्पिटल में आते आते गाड़ी में भी उसे उल्टियां आ रही थी। डॉक्टर सिमरन का चेकअप करवाते हैं और मीना से, आप इसे खाने में क्या खिलाती है? जी, आपका आपके बेटी के ऊपर ध्यान है या नहीं? लगता है वो हर रोज बाहर का खाना खाती है, इसीलिए उसकी ये हालत हो गई है। ऋत्विक ये सारी बातें सुनकर बहुत डर जाता है और अपनी माँ से, माँ, सिमरन को जो हो रहा है क्या मुझे भी ऐसा होगा? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस अब एक बात ध्यान में रखो कि बाहर का खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। कभी कभार खाए तो ठीक है, लेकिन तुम दोनों सुनते ही कहाँ थे। मैंने तुम दोनों को कितनी बार समझाया था, अब देख लिया ना क्या हुआ। सिमरन और ऋत्विक को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो अपने माँ पिताजी से, माँ, हम दोनों को माफ कर दो, आज से ये गलती हम फिर कभी नहीं करेंगे माँ।
ठीक है बेटा, लेकिन याद रखना आज से तुम दोनों को घर का पौष्टिक और अच्छा खाना ही खाना है, समझे? अब 3-4 दिनों बाद ही सिमरन की अस्पताल से छुट्टी हो जाती है। सिमरन की दादी भी अब उनके साथ मुंबई में रहने आ जाती है। दादी अब बच्चों को हर रोज गर्मा गर्म और हेल्दी फूड बनाकर खिलाने लगी। उस दिन से दोनों बच्चों की सेहत बिल्कुल ठीक रहने लगी और सभी खुशी खुशी रहने लगे। बहुत समय पहले की बात है, किसी एक गांव में सुधा अपने पति रमेश और 2 बच्चे राघव और सुमित के साथ रहती थी। वो बहुत ही गरीब थे। रमेश मजदूरी किया करता था और इसी कारण उनके यहाँ 2 वक्त की रोटी भी उन्हें बड़ी मुश्किल से नसीब होती थी। उनके घर में पके खाने में कभी नमक ना होता तो कभी मिर्च ना होती, वैसे ही पकाया करते थे। एक दिन सुधा का पति थककर घर आता है और सुधा से, सुधा आज खाने में कुछ अच्छा बनाना। अच्छा बनाऊं तो कैसे, घर में हमेशा पैसों की कमी होती है, ना ही बच्चे कुछ खा पाते है, ना ही हम पेट भर कर खाना खा सकते है। बनाऊं तो क्या बनाऊं? कुछ भी बनाओ लेकिन टेस्ट में जरा अच्छा बनाओ। ऐसा कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है। सुधा सोच सोच कर आखिर में घर में जो सामग्री है उसी से खाना पकाती है। आज उनके घर में फिर से मिर्च पाउडर नहीं थी तो उसने कहीं से उठाई हुई फीकी मिर्चियाँ ही इस्तेमाल की और खाना पकाया। घर आकर रमेश खाना खाने बैठ जाता है। पहला निवाला खाते ही उसे सुधा पर बहुत गुस्सा आता है। वो सुधा से, अरे सुधा, मैंने तुमसे कहा था ना कि कुछ अच्छा बनाओ, ये क्या बना कर रखा है तुमने, जरा खाकर तो देखो। क्या करूँ, हमारे घर के हालात तो आपसे छुपे नहीं है। मैं कहती हूँ कि मैं भी आपके साथ मजदूरी करने आती हूँ तो आप आने नहीं देते, और आपके अकेले की कमाई में हम पेट भर खाना नहीं खा सकते। सुधा के ऐसे बात करने के कारण रमेश को और ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि सुधा की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, इसी कारण रमेश उसे काम करने नहीं देता था। वो एक गरीब था लेकिन जिम्मेदार पति था। रमेश खाना ना खाकर भूखे पेट ही सो जाता है। सुधा उस रात बिल्कुल भी नहीं सो पाती। उसे बार बार याद आता रहता है कि रमेश आज फिर से भूखे पेट ही सो गए हैं, और वो सोचती है क्यों ना वो मर जाए ताकि कम से कम घर में तीनों तो पेट भर कर खाना खा पाए। इसीलिए वो रात के समय सबको सोए हुए देख कर वो चुपचाप घर से निकल जाती है, लेकिन उसकी मरने की हिम्मत ही नहीं होती। चलते चलते वो पास के गांव में पहुंच जाती है जहां पर एक बहुत बड़ा पेड़ था, जिस पेड़ के नीचे दिन के समय भी खड़ा रहो तो अंधेरा लगे। तभी सुधा को कुछ आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर सुधा डर जाती है और मन ही मन, बाप रे, इस घने पेड़ को पार करते करते न जाने मेरे साथ क्या हो जाए। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं रात भर इस पेड़ पर ही चढ़ जाती हूँ और सुबह होते ही घर वापस लौट जाऊंगी। डर के मारे सुधा उस पेड़ पर चढ़ जाती है। कुछ वक्त बीत जाता है। अब उस पेड़ के नीचे 7 चोर आते हैं, जो किसी बड़े घर को लूटकर अपना बंटवारा करने आए थे। उनमें से एक, देखो भाई, यही वो पेड़ है जहाँ इस समय कोई परिंदा भी अपना पर नहीं मार सकता, तो अब हम यही बैठकर अपना बंटवारा कर लेते हैं। और वो टॉर्च लगाकर बंटवारा शुरू करते हैं। अब 7 बंटवारे हो चुके थे, तभी उनमें से एक, अरे देख लो भाई, ये 7 बराबर हिस्से मैंने कर दिए हैं। तभी ऊपर बैठी सुधा ने चोरों की सारी बातें सुन ली। अब वो एक अलग ही आवाज निकाल कर चोरों से, भाई आपने 7 हिस्से तो कर दिए, उसमें से एक मेरा भी तो निकालना बाकी है। सुधा की आवाज सुनते ही वो आवाज की ओर टॉर्च घुमाते है, लेकिन सुधा इस तरह से छुपी थी कि उन 7ों में से कोई उसे देख नहीं पाया, और वो घबरा कर सारा लूटा माल वहीं पर छोड़कर भाग जाते हैं। अब सुधा नीचे आ जाती है और सुबह होने से पहले ही अपने घर चली जाती है, और वो अपने पति को धीरे से आवाज लगाती है, खुलिए खुलिए दरवाजा खुलिए, जल्दी जल्दी दरवाजा खुलिए। रमेश दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि सुधा एक टोकरी में बहुत सारा सोना चांदी और पैसे लेकर खड़ी है। वो उसे अंदर लेता है। तभी सुधा, देखिए तो मैं क्या लेकर आई हूँ। अरे सुधा, ये तुम्हें कहाँ से मिला, और तुम रात भर कहाँ थी, जब मेरी नींद खुली तब से मैं तुम्हें यहाँ वहाँ देख रहा हूँ। सुधा रमेश को सारी बातें बताती है। अब 1-2 साल में ही धीरे धीरे करके वो थोड़ी सी जमीन खरीदते है, बैल खरीदते है, और अपना घर भी अच्छा खासा बना लेते है। अब वो दोनों मिलकर अपने बच्चों का स्कूल में दाखिला भी करवाते है,
साथ ही वो अपने जैसे कुछ लोगों की मदद भी करते हैं। तभी एक दिन सुधा के घर के पास रहने वाली एक औरत जो बहुत अमीर थी, वो बातों बातों में सुधा से, सुधा क्या बात है, तुम्हारी तकदीर तो बिल्कुल किसी राजा जैसी निकली, क्या खजाना हाथ लगा है, जरा हमें भी तो बताओ। सुधा भोलेपन में सारी बात उस औरत को बताती है। उस रात वो औरत भी अपने पति को बिना बताए ही उस पेड़ के पास जाकर उस पेड़ पर बैठ जाती है। सुधा के साथ घटी घटना को अब बहुत वक्त बीत चुका था। फिर से वो चोर चोरी कर कर उस पेड़ के नीचे आ जाते हैं। वो पहले की तरह ही अपना बंटवारा करने लगते हैं। तभी उनमें से एक चोर, अरे देखो भाई, अब बंटवारे बराबर हो गए हैं। चोर की बात सुनते ही औरत जोर से बोलती है, अरे भाई मेरा भी एक हिस्सा रखना भूल गए तुम। वो चोर टॉर्च का लाइट आवाज की ओर दिखाते हैं। तभी वो औरत उन्हें पेड़ पर बैठी दिखती है। उसे देखते ही वो चारों चोर उसे नीचे उतारते हैं और लाठी से मारने लगते हैं। वो औरत जैसे तैसे करके वहाँ से भाग जाती है और घर जाते ही वो उसके पति को आवाज देती है। उसका पति दरवाजा खोलकर देखता है तो वो उसी पर बरस पड़ता है। दूसरी ओर सुधा अपने पति के साथ खुशी खुशी रह रही थी, साथ ही गरीबों की मदद भी कर रही थी। साथ ही उसने एक अन्न छत्र भी बना लिया था, जिन्हें खाने में दो वक्त की रोटी भी नहीं मिलती, वो वहाँ आकर पेट भर कर खाना खाते थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरे की बराबरी करने जाओ तो हमारा ही नुकसान होता है, तो दूसरे की कभी बराबरी नहीं करनी चाहिए। सिमरनपुर नाम के गांव में माया अपने पति रामू के साथ रहती थी। रामू बड़ा ही सज्जन आदमी था, जो अपनी जितनी आमदनी है उसी में खुश था। लेकिन उसकी पत्नी माया वो बहुत ही लालची किस्म की औरत थी, जो हमेशा से एक अमीर बनने का सपना देखती थी। उसका पति किसी कंपनी में मजदूरी करता था। वो हमेशा अपने पति को कोसा करती थी, साथ ही अपने नसीब को भी। उसकी अमीर बनने की चाह इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वो अमीर बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। एक दिन वो अपने पति से, अजी आप कब तक ऐसे गरीबी में दिन बिताना चाहते हो, मजदूरी के ऊपर भी तो कुछ होता है ना। तुम क्या कह रही हो माया, तुम जानती हो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और मैं जो काम कर रहा हूँ और जितनी मुझे आमदनी मिलती है उसमें मैं खुश हूँ। हाँ हाँ, आप तो इसके ऊपर कुछ सोच ही नहीं सकते। वो रमेश देखिए तो, एक साल में कहाँ से कहाँ चला गया। उसका तो सिर्फ एक ठेला था, अब देखो दो ठेले लगाता है, वो भी खुद के। अरे आपको क्या पता कि अमीर लोगों के पास कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, बंगले, कपड़े, बाप रे बाप। माया ये सोचते सोचते सपने में चली जाती है कि अब वो एक अमीर औरत बन चुकी है। उसके पास भी बड़ी बड़ी दो गाड़ियां है, उसमें बैठकर वो शॉपिंग करने जा रही है। तभी रामू माया को जोर जोर से हिलाता है और उससे, अरे ओ महारानी, सपने से जागिए और मुझे खाना परोसिए। माया सपने से जागकर, कितने बार आपको कहा है कि मुझे सपने से मत जगाया करो। अरे असल में ना सही, मैं सपने में तो अमीर बन सकती हूँ ना। ठीक है ठीक है। ऐसा कहकर रामू खाना खाने बैठ जाता है और माया उसे खाना परोसकर खुद भी खाना खाने बैठ जाती है। खाना हो जाने के बाद वो दोनों सो जाते हैं। दूसरे ही दिन वो सोच लेती है कि अब वो भी छोटा मोटा काम करेगी। तभी उसे याद आता है कि उसने शादी से पहले आइसक्रीम बनाने की क्लास की हुई है और उसमें वो एक्सपर्ट थी। वो ठान लेती है कि अब वो आइसक्रीम बनाकर लोगों को बेचेगी। सुनिए जी, आप जितने पैसे कमाते हो उसमें मेरी ज़रूरत की चीज़ें मुझे नहीं मिलती। अब मैंने सोच लिया है कि मैं कल से ही आइसक्रीम बनाकर बेचूंगी और कुछ पैसे कमाऊंगी। माया देखो, तुम जो करना चाहो तुम कर सकती हो, लेकिन सच्चाई का रास्ता कभी मत छोड़ना। तुम्हें पहले बहुत सी परेशानियों का सामना करना होगा, तभी तुम्हें सफलता मिलेगी। हाँ हाँ, जैसे आप कह रहे हो वैसे ही करूंगी। अब माया दूध लाकर उससे बड़ी आइसक्रीम बनाती है और फ्रिज में रख देती है। अब दूसरे ही दिन माया आइसक्रीम लेकर बेचने जाती है। आइसक्रीम ले लो आइसक्रीम, फ्रेश वाली आइसक्रीम ले लो, ले लो ले लो आइसक्रीम, फ्लेवर्ड वाली आइसक्रीम ले लो। गर्मी के दिन थे तो बच्चे भी भाग कर आते और कितने की है आइसक्रीम और कौन कौन से फ्लेवर है ये पूछ जाते और माया से आइसक्रीम भी खरीदते। माया आइसक्रीम बनाने में बहुत माहिर थी। एक बार अगर उसके हाथ का बना आइसक्रीम खाए तो लोग खाते ही रह जाते। एक में तो किसी का मन ही नहीं भरता था। दिन बीतते गए, अब माया का आइसक्रीम का काम जोरों से चल रहा था।
अब माया के पास बढ़िया पैसे जमा हो चुके थे। वो अपने पति से, देखा आपने, मेरे पास तो आज आपसे भी ज्यादा पैसे जमा हो चुके हैं। अब मैं जल्दी ही अपनी खुद की आइसक्रीम की गाड़ी खरीदूंगी। अरे वाह माया, लगता है तुम्हारा काम बहुत जोरों से चल रहा है। लगता है अब तुम्हारा सपना जल्द ही साकार होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, जरूर होगा। माया मन ही मन सोचने लगती है कि अगर वो आइसक्रीम की क्वांटिटी कम कर दे या फिर पैसे बढ़ा दे तो उसे और भी ज्यादा मुनाफा होगा। और अब दूसरे ही दिन माया आइसक्रीम की क्वांटिटी कम कर देती है, साथ ही पैसे भी बढ़ा देती है। लेकिन उसकी टेस्ट के कारण लोग उससे आइसक्रीम खरीद ही रहे थे, तो माया ने सोचा अगर मैं आइसक्रीम में डालने वाले ड्राई फ्रूट लो क्वालिटी की इस्तेमाल करूँ तो। अब माया का लालच दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। उसके आइसक्रीम की क्वालिटी भी अब दिन ब दिन बदलने लगी थी। उसे हमेशा आइसक्रीम खरीदने वाला एक आदमी एक दिन, अरे माया जी, आइसक्रीम में कुछ बदलाव किया है क्या आपने? इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। नहीं तो भाई साहब, ये आप क्या कह रहे हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अब धीरे धीरे माया के ग्राहक कम होने लगे और माया भी इस बात से बड़ी परेशान रहने लगी। एक दिन एक ग्राहक माया से आइसक्रीम खरीदता है और उसे खाते ही उसे उल्टियाँ आने लगती है। वो माया से इस बारे में पूछता है तो माया उसे, साहब आपने बाहर कुछ खराब खा लिया होगा, मेरा आइसक्रीम तो बहुत अच्छा है, लोग तो बड़े चाव से खाते हैं इसे। वो आदमी अब माया की कंप्लेन करता है और फूड एंड ड्रग वाले लोग आकर माया के आइसक्रीम की जांच करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि माया ने लो क्वालिटी सामान इस्तेमाल किया है जिस कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। अब माया को जेल जाना पड़ता है। वो बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है कि साहब मुझे माफ कर दीजिए साहब, आज के बाद मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी, मैंने अमीर होने की लालच में आकर ये सब कुछ किया है, मुझे माफ कर दीजिए साहब। माया गिड़गिड़ाकर रो रही थी तभी उसका पति रामू वहां आ जाता है और माया को छुड़वा लेता है। घर जाते ही माया रामू से, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की है, मैंने जल्द ही अमीर बनने की चाह में लो क्वालिटी सामान इस्तेमाल किया और आज आपको मेरे कारण बड़े परेशानियों का सामना करना पड़ा है। देखो माया, मैंने हमेशा तुमसे ये कहा है और आज भी यही कहूँगा, अगर हम माने तो हम कम पैसों में भी अमीर है। अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं होती, वो विचारों से भी होती है। हमारे पास पैसे है या नहीं, इससे ज्यादा हम कितने सुखी है, ये मायने रखता है। माया पैर पकड़कर रामू की माफी मांगती है और फिर कभी भी ये भूल ना करने का वचन देती है। रामू भी उसे माफ कर देता है। अब दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं।